दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ी अपडेट कटहरी विधानसभा सीट को लेकर इस समय लालजी वर्मा और शिवपाल सिंह यादव की बैठक लखनऊ में हुई। बहुत बड़ा संदेश आपको बता दें कि टिकट लगभग फाइनल बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जिस तरह से जो कि संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लगातार लखनऊ में मुजफ्फरनगर से लेकर गाजीपुर पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो संगठन था समाजवादी पार्टी का, बिल्कुल मैदान में उतरा। आरक्षण वर्गीकरण का जो मसला है कोर्ट की तरफ से आया था, उस मसले को लेकर जो कि जिस तरह से भारत बंद का एक आह्वान किया गया था दलित संगठनों की तरफ से, उसमें अखिलेश यादव ने साथ दिया बहुत तेजी के साथ। और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल जो कि मुस्तैदी से नजर गड़ाए हुए है। लगातार उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट और लगातार उनके बयान आ रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दलित और पिछड़े समाज के जो युवा हैं, अभ्यर्थी थे, जो आरक्षण घोटाला के पीड़ित हैं, उनको जो कोर्ट ने जो न्याय दिया है उस न्याय को कोई फंसा न दे, इसके ऊपर भी अखिलेश यादव का लगातार बयान है। कटहरी की बात बताऊंगा, उससे पहले बता दूं अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 3 महीने का इसलिए जो टाइम दी गई है ताकि कोई युवक जाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर दे, ताकि ये मामला फिर जाके लटक जाए, इसलिए जो कि 3 महीने का जो टाइम दिया गया एक साजिश है, इसको तुरंत हल करना चाहिए। 3 घंटे में इसकी लिस्ट कंप्यूटर से निकल जाती है और जो युवा जो कोर्ट ने बोला है, जो लखनऊ बेंच ने बोला है, उनको जो है कि फटाफट ज्वाइनिंग देनी चाहिए, जो जिस तरह से कोर्ट की तरफ से फैसला आया। अब बात करते हैं कटहरी सीट को लेकर, बहुत बड़ी अपडेट है। शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी मिली है और योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को जिम्मेदारी मिली है कि कटहरी विधानसभा की देखरेख, उसकी बूथ संगठन से लेकर मीटिंग से लेकर, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव। आज की ताजा खबर बता दूं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, कटहरी सीट को लेकर मंथन लखनऊ में चल रहा है। शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभारी घोषित किए गए कटहरी सीट से। और शिवपाल सिंह यादव और लालजी वर्मा जो सांसद हैं, जो सांसद बने थे, लालजी वर्मा कटहरी सीट से विधायक थे, फिर सांसद अंबेडकर नगर से बने, सीट खाली हुई इस्तीफा देने के बाद, उस पर उपचुनाव होना है। उसको लेकर जो खबर आ रही है कि मंथन बहुत जो कि बहुत बारीकी से मंथन हुआ, किस तरह से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समीकरण को एकमुश्त किया जाए। एक तरफ लालजी वर्मा जो कि एकमुश्त जो है कि लगातार अंबेडकर नगर के एक छत्र, उनको जो कि जिस तरह से उनका वर्क है, काम है, विकास की गति को लेकर जिस तरह से लगातार उन्होंने मेहनत किया है, जनता के अंदर दलित पिछड़े आदिवासी समाज जो अल्पसंख्यक समाज में उनकी एक अच्छी पकड़ है, उनको बुलाए शिवपाल सिंह यादव, प्रभारी घोषित किए गए हैं। तो शिवपाल सिंह यादव और लालजी वर्मा के बीच में जो बैठक, उसमें स्पष्ट किया गया कि भीम निषाद को यहाँ से टिकट मिलना बताया जा रहा है, कि भीम निषाद को टिकट मिलने की संभावना लगभग 95% है। और तय कर दिया गया है सूत्रों के हवाले से, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। आपको बता दें कि भीम निषाद के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूँ कि सुल्तानपुर सीट से लोकसभा के प्रत्याशी इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया था, लेकिन ऐन वक्त पे जो कि अखिलेश यादव राम भुआल निषाद को सुल्तानपुर से टिकट देते, सुल्तानपुर की वह सीट जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, वहां पे भीम निषाद का टिकट कटता है, राम भुआल निषाद को टिकट दिया जाता है। जब टिकट कटा, रैली में गए, भीम निषाद आए थे हेलीकॉप्टर के अंदर लखनऊ, सीधा अपने हेलीकॉप्टर में अखिलेश यादव जो कि बैठाकर भीम निषाद को सीधा लखनऊ ले आया और उनको जो है कि वचन दिया कि आप चिंता न करें, समाजवादी पार्टी आपका पूरा सम्मान करेगी। ये टिकट जो राम भुआल निषाद को मिला था, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि राम भुआल निषाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सिंबल पे समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर में चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत ही मतलब दमदारी से चुनाव लड़े थे। हालांकि गोरखपुर सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की सीट है, मजबूत सीट मानी जाती है,
जाती है उस पर भी अच्छी फाइट दिए थे राम भुवाल निषाद। तो उसी को लेकर अखिलेश यादव ने, मतलब उन्होंने विचार बनाया कि राम भुवाल निषाद इतने बड़े नेता के साथ जो कि लगातार लड़े हैं, जहाँ पे हम खड़ा किए हैं, तो उनको ये पुरस्कार के तौर पर सुल्तानपुर सीट मिली और यहाँ से राम भुवाल निषाद सांसद बने। भीम निषाद का टिकट करा, हेलीकॉप्टर में बैठाए अखिलेश यादव, भीम निषाद को लेकर आए लखनऊ और उनका सम्मान किया। और बताया जा रहा है कि जो शिवपाल सिंह यादव और लालजी वर्मा पूरे कुर्मी वोटर के एक मुस्त जो कि धड़ा है अंबेडकर नगर के पूरे, और जो कटहरी सीट की बात करें तो कटहरी सीट में लगभग 33,000 जो कि वर्मा समाज है और कहीं ना कहीं 52,000 यादव हैं, 34,000 मुस्लिम हैं और 40,000 के आसपास वहाँ पे निषाद हैं, 64,000 अत पिछड़ा है जिसमें 40,000 निषाद है। तो ये जो कि लालजी वर्मा का कहना है कि पूरे बूथ पर कमेटी पर जो कुर्मी वोट है वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। हालांकि कुर्मी वोट निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से कुर्मी प्रत्याशी उतारा गया है, लेकिन उसको रोकने के लिए निश्चित तौर पर लालजी वर्मा पूरी तरह से तत्पर है, ये चीज़ें साफ आ रही नज़र। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।